सो हाय फेलर्स, चेंग हुए। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, कल के दिन पबजी वाले ने अपना नया अपडेट रिलीज कर दिया है जिसका नाम है 0.18.2 का अपडेट। एंड उस अपडेट में इतना अनएक्सपेक्टेड चेंज पबजी वाले ने कर लिया है जो कि कोई भी बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस टाइप का कोई चेंज हो सकता है। वैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पबजी वाले ग्लोबली रिलीज करने से पहले अपडेट को काफी बड़े बड़े चेंजेस कर सकती है, बट ये एक इस टाइप का चेंज है जो कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वो आप लोग भी सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाओगे कि पबजी वाले ने ऐसा चेंज कैसे कर दिया। साथ ही 0.18.2 के अपडेट में काफी एक कमाल का फीचर PUBG Mobile ने दिया है। जिन लोगों के फोन में भी PUBG Mobile काफी लैग होता है, जिनको पिंग का इशू काफी फेस करना पड़ता है, उन लोगों के लिए काफी अच्छा PUBG Mobile ने फीचर दिया जिससे आपकी पिंग काफी हद तक स्टेबल हो जाएगी एंड आपको लैग देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड गिव अवे विनर्स हम लोग वीडियो के एंड में देखेंगे। एंड अगर आप लोग भी पार्ट लेना चाहते हैं तो मेक श्योर आप लोग कमेंट करें वीडियो के नीचे एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को गिव अवे पार्ट लेने के लिए। सो इस वीडियो में काफी कमाल की चीजें होने वाली है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, टू अप्रिशिएट दैट एंड कर लो चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कमाल के लिए टेक्स क्लिच न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, इससे पहले जो हमारा अपडेट आया था जो कि 0.18.1 का अपडेट था, उस अपडेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि गेम के अंदर आने वाली है काफी कमाल की न्यू करेंसी जिसका नाम था डायमंड करेंसी। एंड अगर आप लोग अपने दिमाग पे थोड़ा सा भी जोर डालो तो आपको याद आएगा उस करेंसी का काम ये होता था कि वो आइटम्स को बैन कर देती थी क्रेट्स के अंदर, क्लासिक प्रीमियम क्रेट्स के अंदर, जिन आइटम्स को हम लोग लेना नहीं चाहते थे। एंड जब उसके बाद हम लोग क्रेट्स को ओपन करेंगे तो वो आइटम हमें नहीं निकलेगा। बट यहाँ पे जो कल के दिन PUBG वाले ने नया अपडेट लॉन्च किया जो कि 0.18.2 का अपडेट, उसके अंदर यहाँ पे बहुत ही बड़ा चेंज हुआ। आप लोग खुद अपनी स्क्रीन पे देखो तो गाइस, द बिगेस्ट थिंग इज यहां पे PUBG वाले ने अपने प्लान्स को कैंसिल कर लिया है। एंड जितनी भी डायमंड करेंसी हमारी गेम के अंदर आने वाली थी, जिनका इनका प्लान था, वो सारा का सारा कैंसिल हो चुका है। एंड अब हमें न्यू अपडेट में आने वाले में डायमंड करेंसी देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगी एंड उसके अंदर डायमंड करेंसी का नामो निशान नहीं होगा। बट द बिगेस्ट थिंग इज यहां पे डायमंड करेंसी की इन्होंने एक रिप्लेसमेंट लिया जो कि आप लोग ऊपर की तरफ देख सकते हो, जो कि है AG करेंसी। AG करेंसी के बारे में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इसका काम क्या रहने वाला है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। हम लोगों को पहली बात तो ये जो AG करेंसी है बहुत ही ज्यादा मिलने वाली है 0.18.2 में। एंड ये जो हमारा 0.18 का अपडेट आएगा गेम के अंदर, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि हमें अचीवमेंट्स क्या क्या मिलने वाली है। एंड अगर आप लोग एक बार उनको रिमाइंड करो तो उनकी अचीवमेंट्स में 90% अचीवमेंट्स के अंदर हमें किसी ना किसी लेवल पे जाके AG करेंसी मिल रही थी, 200 AG करेंसी, 50 AG करेंसी, 100 AG करेंसी। एंड अगर आपने अचीवमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप लोग डीप में देख सकते हैं। तो भाई वहां पे इतनी ज्यादा एक्सेस में हमें AG करेंसी लग रही थी, तो मुझे लगा था, तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पे काफी हद तक ये चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे दो करेंसी गेम के अंदर आए, डायमंड करेंसी एंड AG करेंसी। बट ये चीज तो किसी ने भी एक्चुअल में एक्सपेक्ट ही नहीं की थी कि यहाँ पे AG करेंसी को पूरा परमानेंट कर दिया जाएगा एंड डायमंड करेंसी को नेक्स्ट अपडेट के अंदर पूरा का पूरा गायब। मैंने वैसे आपको ये चीज बताई थी कि चेंजेस जरूर हो सकते हैं ग्लोबल अपडेट से पहले, ये बीटा के अंदर हम लोगों को नई नई चीजें दिखाते हैं उसके बाद गायब हो जाते हैं, ये चलती आई है चीज पहले से। बट इतना बड़ा चेंज ये हो जाएगा ये चीज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक अपडेट के अंदर न्यू करेंसी लाई जाएगी एंड उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट होगा उसमें गायब कर दी जाएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर अपडेट है। एंड अब आप लोगों को यहाँ पे डाउट होगा कि जो AG करेंसी है उसका बेसिकली वर्क क्या रहने वाला है एंड उसको हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज जो 0.18.1 के अपडेट में क्लियर कर दी थी PUBG वाले ने कि AG करेंसी का क्या काम होगा एंड उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली AG करेंसी हमारी एक ऐसी करेंसी होगी जो फिलहाल हम अचीवमेंट से ले सकते हैं, जो हम लोग थीम पार्क में जाके ले सकते हैं ट्रेनिंग करने से, एंड इन जगहों से हमें AG करेंसी मिल जाएगी काफी इजिली। एंड द मेन थिंग इज इसको हमने यूज कैसे करना है, इसको हम लोग काफी इजिली यूज कर सकते हैं जो हमारी शॉप के अंदर जितनी भी आइटम्स हमारे शॉप के अंदर होते हैं। जैसे कि हम लोग शॉप के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऐसे रिडीम के अंदर आइटम्स होते हैं कहीं, जो कि हम लोग ऐसे ले सकते हैं, या फिर हो सकता है इसके लिए यहाँ पे AG करेंसी के लिए अलग से ही हम लोगों को 0.18 के अंदर देखने के लिए मिल जाए जहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप के आइटम्स ले सकें, या फिर हो सकता है जितनी ये गन्स हैं इनके साथ कोई ऐसा जैसे फ्रॉम क्रेट्स लिखा हुआ है तो क्रेट्स के अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाए फ्रॉम AG करेंसी, या फिर कुछ इस टाइप का। इसके अलावा कोई यहाँ पे भी कोई खास लीक नहीं है रिगार्डिंग जिसकी जो AG करेंसी यूज कैसे कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो मेन पैच नोट्स हैं उसके हिसाब से यही है कि AG करेंसी को हम लोग फिलहाल यूज कर सकते हैं शॉप के अंदर किसी भी आइटम को परचेस करने के लिए, किसी भी आइटम को बाय करने के लिए, एंड उसको हम लोग नॉर्मली गेम में यूज कर सकते हैं। सो गाइस, आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताना आप लोग कितने एक्साइटेड हो फॉर दिस AG करेंसी एंड आप लोगों का क्या ओपिनियन है डायमंड करेंसी को गायब कर देने। सो गाइस, उसके बाद आता है एक न्यू फीचर जो कि गेम ने लॉन्च किया है, हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा ये ग्लोबल के अंदर, जिसके अंदर देख सकते हो आप लोग यहाँ पे एक मैचिंग वाला है। जैसे हम लोगों के नॉर्मल मैचिंग के लिए हम लोग लिखते थे कि
हम लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये नॉर्मल मैचिंग वाला इंटरफेस आपको दिखता है। बट नीचे की तरफ अगर आप लोग देखो तो आप लोगों को दिखेगा एक काफी कमाल का न्यू फीचर जो कि हम लोगों को काफी ज्यादा वर्क करने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका पिंग है इशू होता है या लैग का इशू काफी ज्यादा होता है। आप लोगों को यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दो ऑप्शन दिखेंगे जो कि है इनेबल एंड डिसेबल, को जिनको मैं इनेबल एंड डिसेबल कर भी रहा हूँ। आप लोगों को शायद वो दिख ना रहा हो क्योंकि यहाँ पे टेक्सचर ग्लिच है, आप लोगों को पता है बीटा के अंदर ये चीज तो आम सी बातें हैं। राइट हैंड साइड पे देखो इनेबल एंड डिसेबल लिखा हुआ है, जैसे ही मैं इसको डिसेबल पे करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो वहाँ पे लिख के आ रहा है रिड्यूस लैग एंड स्टनिंग, ये काफी अच्छा एक ऑप्शन है। एंड अगर मैं इसको इनेबल पे कर देता हूँ, इनेबल पे करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को 4G एंड वाईफाई दोनों को यूज करेगा एंड कम अमाउंट में नेट यूज करेगा, ये चीज बता रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ इन ऑप्शन को हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने बेसिकली इनको डिसेबल पे ही रखना है। इसका काम ये है कि आप लोगों का जो ये है ना इंटरनेट कनेक्शन, इसको बचाने का ये काम करेगा। एंड अगर आप लोग चाहते हो ये चीज ना हो तो आप लोगों को इसको डिसेबल ही रखना है हमेशा। अगर आप लोग डिसेबल रखोगे तो आपको हमेशा लैग कम देखने के लिए मिलेगा, आपकी जो पिंग है वो काफी स्टेबल रहेगी एंड अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो वाईफाई एंड मोबाइल दोनों में से डाटा लेगा एंड बेस्ट पॉसिबल डाटा लेगा जहां से आपको अच्छे से अच्छी पिंग मिल सकती है। बट अगर आप लोग इसको कर देते हो इनेबल की तरफ, तो इनेबल में होगा कि आप लोग देख सकते हो जो आपका 4G एंड वाईफाई है उसमें से मिनिमम अमाउंट ऑफ ये डाटा लेगा, जितना कम से कम हो सकता है आपका इंटरनेट बचाने के लिए। एंड जिससे आपका इंटरनेट तो बचेगा पर आपको इंटरनेट की कंजम्पशन कम गेम में मिलेगी, तो पिंग हाई जाएगी, अच्छा गेम लेवल नहीं मिलेगा, अच्छा आप लोगों को गेमिंग नहीं होगी एंड आप लोगों को मजा कम आएगा। तो यहाँ पे काफी अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग इसको डिसेबल पे रखो, इससे आप लोगों को जो सर्वर्स पे लोड ज्यादा नहीं पड़ेगा, आप लोग काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हो एंड आपको बेस्ट पॉसिबल जो आपको डाटा है वो मिलेगा, मतलब आपका वाईफाई एंड मोबाइल डाटा दोनों कनेक्टेड है, तो आप लोगों के जिसमें सबसे अच्छा इंटरनेट आता है गेम खुद ही उसमें से इंटरनेट कनेक्ट कर लेगी, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है एंड उससे आप लोग काफी अच्छी गेमिंग कर पाओगे। एंड आप लोगों को जो पिंग का इशू है शायद वो 0.18.0 के अपडेट के बाद से देखने के लिए ना मिले गेम के अंदर। सो गाइस हम लोग अपनी लास्ट वीडियो के गिव अवे विनर्स देख लेते हैं। फर्स्ट विनर है हमारा रिहान खान, सो कांग्रेचुलेशंस ब्रो। एंड सेकंड विनर देख लेते हैं न्यू बॉलीवुड प्रोडक्शन, तो कांग्रेचुलेशंस गाइस आप दोनों को। एंड अगर आप लोग भी जीतना चाहते हो गेम में तो काफी आसान है यार, मेक श्योर आप लोग चैनल के सब्सक्राइबर हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हर वीडियो के नीचे एक कमेंट करो अपनी इन गेम आईडी के साथ। जिनकी भी इन गेम आईडी रैंडम कमेंट मेकर्स में आएगी उन सबको गेम में मिलेगा 35 यूसीज का एंड वो हर वीडियो के अंदर होगा, तो मेक श्योर हर वीडियो को आप लोग देखो एंड उसमें कमेंट करो। तो आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना ये वाला अपडेट आपको कैसा लगा एंड आप लोगों को क्या लगता है ये किसी भी टाइप से काम आने वाला है आप लोगों के। सो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही था, आई थिंक आप लोगों को काफी मजा आया होगा। अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो मेक श्योर टू लाइक वीडियो अप्रिशिएट करने के लिए एंड कर लो चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कमाल के गिव अवेज जीतते रहने के लिए लीक्स टिक्स क्लिच न्यूज़ सबसे पहले जानने के लिए।